नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर सत्य वचन के साथ हाजिर हूं मैं रुमारा इसार खान। देश के लिए 5 अगस्त यानी आज की तारीख ऐतिहासिक बन चुकी है। इसी तारीख को कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किया गया। राम मंदिर का शिलान्यास भी 5 अगस्त की तारीख को ही हुआ और आज 5 अगस्त को ही ओलंपिक में भारतीय हॉकी की टीम ने इतिहास रच दिया। 41 साल का मेडल का सूखा खत्म किया। तो 2019 5 अगस्त, 2020 5 अगस्त और आज 2021 5 अगस्त, इन तीन ऐतिहासिक घटनाओं के केंद्र में कुल मिलाकर एक बार फिर से राम मंदिर का शिला पूजन है। इस वक्त भगवान राम देश की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं और उसकी वजह यह है कि अगले साल मतलब 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और उसके ठीक 2 साल के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव। और शायद इसी के मद्देनजर अयोध्या में भले ही मंदिर निर्माण का कार्य 2025 तक पूरा हो, लेकिन मंदिर के भीतर रामलला के दर्शन शुरू करने का जो लक्ष्य है वो 2023 रख दिया गया है। लेकिन देश में राम के नाम पर राजनीति पर तो जैसे बीजेपी का अधिकार माना ही जाता है और अब विपक्ष भी खासकर यूपी में राम नाम जपने लगा है, ब्राह्मणों साधु संतों को लुभाने के काम में जुटा है। लेकिन बीजेपी से लेकर साधुओं की एक बड़ी जमात इसे सॉफ्ट हिंदुत्व का नाम दे रही है और बीजेपी की नकल की बात बता रही है। तो फिर सवाल यह है कि क्या विपक्ष का सॉफ्ट हिंदुत्व 2022 या 2024 में बीजेपी के हिंदुत्व को टक्कर दे पाएगा? आज का सत्य वचन यही है कि 5 अगस्त की तारीख 3 वजहों से हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक बन चुकी है। 3 लगातार वर्षों में देश में 3 बड़े काम। शुरुआत 2019 से हुई जब जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से आजाद किया गया। साल 2020 में इसी तारीख को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों नहीं सदियों के इंतजार को खत्म कर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शिला पूजन किया। और आज 5 अगस्त 2021 को देश ने ओलंपिक में 41 साल बाद कोई मेडल जीता है। इस ऐतिहासिक दिन पर पीएम मोदी भी देश का सम्मान बढ़ाने वाले मेडल विजेताओं की तारीफ करना नहीं भूले। मोदी दिल्ली से अयोध्या में बैठे प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के लाभार्थियों को संबोधित कर रहे थे। साथियों, जो लोग सिर्फ अपने पद के लिए परेशान है वो अब भारत को रोक नहीं सकते। नया भारत पद नहीं, पदक जीत करके दुनिया में छा रहा है। नए भारत में आगे बढ़ने का मार्ग परिवार नहीं बल्कि परिश्रम से तय होगा। और इसलिए आज भारत का युवा कह रहा है, भारत चल पड़ा। मोदी के भाषण में जिक्र तो पदक का था, लेकिन निशाने पर विपक्ष का पद और परिवारवाद के प्रति आकर्षण रहा। विपक्ष निशाने पर क्यों है? क्योंकि यूपी में चुनाव है, जहां सिर्फ परिवार को ही पद पर बिठाने के नाम से बदनाम कई पार्टियां मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी की कमान मुलायम के बाद बेटे अखिलेश के हाथों में है, तो गांधी परिवार का तीसरा सबसे पावरफुल चेहरा प्रियंका गांधी के हाथ में यूपी कांग्रेस की कमान है। तो तीसरी विपक्षी पार्टी बीएसपी है, जहां पार्टी मतलब एक परिवार भी नहीं, बस एक चेहरा ही सब कुछ है। तो इन्हीं विपक्षियों से बीजेपी को 2022 चुनाव में निपटना है। 2022 ही नहीं बल्कि 2024 का इम्तिहान पास करने के लिए भी यूपी का मैदान जीतना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। चुनाव में जीत के बाद विकास की गाड़ी तो हर पार्टी धीरे धीरे बढ़ाती रहती है, लेकिन राजनीति चलाने के लिए परिवारवाद या जाति की राजनीति भी जरूरी हो जाती है। विपक्ष के इसी पॉलिटिकल चक्रव्यूह के सामने बीजेपी के पास भी एक बड़ा नाम है, वो नाम है प्रभु श्री राम। देखिए ना, जब यूपी में चुनाव है कुछ महीनों बाद, तो इस राम से भी बड़ा राम के नाम का संदर्भ भी कैसे बदलता है। मुझे याद है
जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, शिखर पर था, उन दिनों नारे दिए गए थे राम और रोटी के। और इसके पीछे मतलब ये था कि भगवान राम भी और लोगों के लिए रोजगार का साधन और उनके लिए जीवन जिंदगी जीने का एक तरीका भी साधन। और आज बदली हुई परिस्थिति में जब डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में भी और यूपी में भी, और वो राम रोटी का नारा बदलकर अब राम और राशन का हो गया है, तो इसके भी मायने हैं। ये बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है कि लोगों को लेकर के कि एक राम राज्य भी होगा और आपके लिए राशन भी होगा। रोटी को अगर हम बदल दें तो राम और राशन, ये बदलते हुए चुनाव में बीजेपी का बदलता हुआ नारा और बदलता हुआ प्रतीक ही आप इसे समझिए। तो अपने अपने तरीके से हर पार्टी यूपी के चुनावी समर में उतर चुकी है। शुरुआत समाजवादी पार्टी से करते हैं। साइकिल पर सवार इस जन सैलाब को देखिए। इसके जरिए अखिलेश यादव ने औपचारिक तौर पर यूपी चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। ये तस्वीरें लखनऊ में समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज से महंगाई और बेरोजगारी समेत अलग अलग मुद्दों को लेकर साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर गहमा गहमी है, भीड़ है, कार्यकर्ताओं का जोश है, उत्साह है, और आज सिर्फ और सिर्फ यूपी सरकार पर हमला करने के लिए अखिलेश यादव ने एक तरह से चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। साइकिल यात्रा इसलिए निकालें कि जनता बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामियां हैं और हर वर्ग के लोग परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। आज बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र दिया था वो घोषणा पत्र है कहां पर? क्या ये संयोग है कि अखिलेश की साइकिल यात्रा भी 5 अगस्त की उसी ऐतिहासिक तारीख को हो रही है जो राम के नाम से जोड़ चुकी है? सवाल इसलिए क्योंकि साइकिल यात्रा ही नहीं, अखिलेश राम के नाम पर मगन होने वाले ब्राह्मणों को रिझाने का प्लान भी तैयार कर चुके हैं। ये तस्वीर उसी प्लान का हिस्सा है जब समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण विधायकों ने 25 जुलाई को अखिलेश यादव के साथ मीटिंग की, और इसी के बाद ये तय हुआ कि समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन करेगी। इतना ही नहीं, तय ये भी हुआ कि लखनऊ समेत हर जिले में भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की मूर्ति लगाई जाएगी। मायावती की बहुजन समाज पार्टी पहले ही ब्राह्मण सम्मेलन का ऐलान कर चुकी है। आज उसका ठिकाना सीतापुर और लखीमपुर खीरी था। इसकी अगुवाई मायावती के भरोसेमंद और बीएसपी के बड़े ब्राह्मण चेहरे सतीश चंद्र मिश्रा कर रही है। अयोध्या में 23 जुलाई को जब ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की थी तब सतीश चंद्र मिश्रा भी रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने पहुंचे थे। तो 2019 में महासचिव बनने के बाद कांग्रेस की प्रियंका गांधी भी यूपी के मंदिर मंदिर घूम रही है। प्रियंका गांधी अयोध्या के हनुमानगढ़ी, काशी के विश्वनाथ मंदिर, मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर, सहारनपुर के शाकुंभरा देवी तक के दर्शन और प्रयागराज के संगम में डुबकी लगा चुकी है। यानी तमाम विपक्षी पार्टियां 300 से ज्यादा सीटों की ताकत के साथ सत्ता पर बैठी बीजेपी के खिलाफ सॉफ्ट हिंदुत्व का तरीका अपना रही है। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। लेकिन अयोध्या के ज्यादातर साधु संत राम के प्रति विपक्ष की नई नई आस्था को नकली मानते हैं। धन्य कौशिला धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट निष्ठा ईमानदारी के साथ काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है उसको पूरा किया। लेकिन कुछ ऐसे जो विपक्षी हैं, कौन है विपक्षी?
देखिए जैसे कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, कुछ लोगों को थोड़ा सा अपना जो है तो रोटी फेंक दे रही है। अब तो बसपा वाले भी ब्राह्मण सम्मेलन अयोध्या में कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि राम के बिना अब कोई राजनीति नहीं कर सकता है, तो सबको किसी को परशुराम की मूर्ति याद आ रही है। बीजेपी के प्रति संतों के इसी भरोसे को और मजबूत करने के लिए योगी आदित्यनाथ आज के ऐतिहासिक दिन एक बार फिर अयोध्या पहुंचे। राम जन्मभूमि पहुंचकर रामलला के दर्शन किए और भगवान के भव्य घर के मॉडल को जी भर के निहारा। आपको बता दें, विपक्ष पर भले ही राम की धुनी लगाने को लेकर कॉपी करने के आरोप लग रहे हैं, पर सीएम योगी खुद को राम का पक्का भक्त कहते हैं। राम को लेकर योगी आदित्यनाथ की आस्था पर एक सत्य वचन ये भी है कि 2017 में सीएम बनने के बाद से वो 25 से ज्यादा बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। पिछले महीने ही 25 जुलाई को योगी अयोध्या आए थे और रामलला हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। बार बार के अयोध्या दौरे की मंशा ये है कि रामलला का मंदिर निर्माण का काम जल्द से जल्द पूरा हो। 5 सदी के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था। मंदिर निर्माण की कार्रवाई बृहद स्तर पर आगे बढ़ रही है। पूरे अयोध्या में 5 अगस्त के ऐतिहासिक दिन पर उल्लास का माहौल है। मंदिरों से लेकर घाटों तक पर सजावट साफ दिख रही है। मंदिर निर्माण का काम भी जोर शोर से चल रहा है। यही है वो पावन भूमि जहां मुख्य मंदिर बनना है। करीब 2 एकड़ के इलाके में मंदिर का निर्माण हो रहा है। ...2024 से पहले मंदिर के भीतर रामलला के दर्शन का लक्ष्य रखा गया है। संत समाज को भी इस बात की पूरी उम्मीद है। राम मंदिर निर्माण कार्य के शिलान्यास का 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके को अयोध्या के संतों ने धूमधाम से मनाया। तपस्वी छावनी पर 51 किलो मिठाई बांटी। अयोध्या की जो ये हनुमानगढ़ी की सीढ़ी है उस पर दीप जलाकर लोगों से आह्वान किए कि हर व्यक्ति अपने घरों में 5 दीपक जलाए और आप कामना करें पूरे विश्व से कोरोना खत्म हो, पूरे देश में अमन शांति बने और अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा ना आए। भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन की ये पहली सालगिरह का मौका है। इस मौके पर 2 तस्वीरें आपके सामने, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और अयोध्या नगरी देख रहे हैं आप जगमगाती हुई। तो जो पुराना लकड़ी का पुल है, देखिए आप वो किस तरीके से रोशनी से नहाया हुआ नजर आ रहा है इस वक्त, जगमग जगमग, और दीपदान से जगमगा उठी है भगवान राम की नगरी अयोध्या नगरी। ABP News, आपको रखे आगे।